टुडे इज़ योर 21st लेक्चर ऑफ वेब एप्लीकेशन एंड इंजीनियरिंग। इसमें हम क्लासेस के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पीएचपी में। हम आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस पहले पढ़ के आए हुए हैं। हम जस्ट इसकी क्लासेस का सेंटेक्स देखेंगे कि हम पीएचपी में क्लासेस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर किस तरह लिख सकते हैं, इनहेरिटेंस कैसे कर सकते हैं और अपने क्लास का इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं पीएचपी। जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी क्लासेस का इन पीएचपी। वी आर नॉट डिस्कसिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है। सो पीएचपी बेसिकली आपकी क्या थी? ये जब अर्ली स्टेजेस में आपकी पीएचपी थी तो ये स्ट्रिक्टली प्रोसीजर लैंग्वेज थी, लेकिन ZE2 ने इनेबल किया है आपको आपके पीएचपी को टू इंक्लूड एडवांस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। मतलब इसमें क्लासेस आई हैं, फंक्शन इंक्लूड हुए हैं एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लासेस का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि क्लासेस आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होती हैं। द क्लासेस आर सेल्फ कंटेन्ड पैकेजेस जिनमें आपके डेटा होते हैं और मेथड्स होते हैं। आप अपनी क्लास में प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं, कुछ मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी क्लासेस के ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, यानी आप ऑब्जेक्ट का क्लासेस के ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बना सकते हैं एंड सो ऑन। यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल से क्लासेस नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडीड इट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सिंटैक्स की तरफ आते हैं तो क्लासेस का आपको पीएचपी का सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले आपका क्लास का कीवर्ड है, दिस क्लास कीवर्ड, देन गेस्ट अंडरस्कोर बुक, ये आपकी क्लास का नेम है। इसके बाद क्लास का नेम आपका इट कुड बी एनीथिंग, लेकिन वो आपके तमाम जो है नेमिंग कन्वेंशन को पीएचपी के सेटिस्फाई करना करता हो। अब इस क्लास में गेस्ट अंडरस्कोर बुक में दो आपके प्रॉपर्टीज क्रिएट हुई हैं, दिस वन डॉलर साइन कमेंट एंड लास्ट अंडरस्कोर विजिटर। दोनों आपके इसके सबसे पहले क्या है, पब्लिक स्पेसिफायर क्रिएट हुआ है और उसके बाद आपका क्या है, वेरिएबल नेम है। सो वेरिएबल नेम आपका डॉलर साइन से हमेशा स्टार्ट होता है और इसी तरह आपका ये नीचे प्रॉपर्टी क्रिएट हुई है पब्लिक स्पेसिफायर एंड डॉलर साइन लास्ट अंडरस्कोर विजिटर, उसका जो प्रॉपर्टी का नेम है। सो इट्स सिमिलर टू वेरिएबल नेम्स कि अगर आपका वेरिएबल नेम के नेमिंग कन्वेंशन को अगर वो सेटिस्फाई करती हैं तो आपका यहाँ पे नेम करेक्ट है इन पीएचपी। फॉर एग्जांपल योर नेम स्टार्ट विद कैन नॉट स्टार्ट विद एनी स्पेशल करेक्टर, इट कैन ओनली स्टार्ट विद अल्फाबेट नॉट विद न्यूमेरिक करेक्टर्स। तो अगर वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इट्स अ वैलिड प्रॉपर्टी नेम टू। और इस क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन भी क्रिएट किया हुआ है। अब पीएचपी में आपने फंक्शन किस तरह क्रिएट करना है, फंक्शन की अगर आप बॉडी क्रिएट करना चाह रहे हैं, डेफिनेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, फंक्शन का कीवर्ड, देन अपडेट, अपडेट फंक्शन का नेम है और देन पैरेंथेसिस में आपने दो उसके पैरामीटर डिफाइन कर देने हैं कॉमा सेपरेटेड। अपडेट, अब ये जो आपका अपडेट फंक्शन है इसके दो पैरामीटर्स हैं, द फर्स्ट वन इज कमेंट एंड द सेकेंड वन इज विजिटर। हमेशा डॉलर साइन के साथ ही अपेंड करना है पैरामीटर्स को भी। और ये इसकी बॉडी क्लोज है, क्लोज कर दिया और ये आपकी यहाँ पे क्लास एंड हो गई है। अच्छा, यहाँ तक तो आपने क्लास डिफाइन कर दी है। अब आपने देखना है कि क्लास के इंस्टेंस को कैसे इंस्टेंस कैसे बनाना है, इंस्टेंशिएट कैसे करना है, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है बेसिकली। तो क्लास का जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं वो हमेशा न्यू से क्रिएट करते हैं और उसके बाद आप क्लास का नेम लिखते हैं और उसको हमने डॉलर साइन जीबी वेरिएबल में स्टोर करा दिया। सो दैट्स हाउ वी इंस्टेंशिएट द क्लास विद न्यू कीवर्ड। नेक्स्ट जो छोटी सी एक आपकी एग्जांपल है क्लास क्रिएट करने की, उसमें कुछ फंक्शंस हैं। इसमें इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि हम अपने इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं क्लास का और उस क्लास के फंक्शंस या मेथड्स को किस तरह कॉल करते हैं। तो क्लास आपने कौन सी यूज बनाई है, यूजर क्लास एंड क्लास नेम यूजर, और उसके बाद उसमें एक मेथड क्रिएट किया लोड अंडरस्कोर इंफॉर्मेशन जिसका एक पैरामीटर है डॉलर साइन यूजर नेम,
ठीक है, ये लोड एंड इसको फंक्शन सिर्फ एक एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है जो कि यूजर का नाम है। उसके बाद अपनी क्लास को हमने क्या किया हुआ, इंस्टेंशिएट करवाया हुआ है। न्यू कीवर्ड डॉलर साइन यूजर इक्वल्स टू न्यू यूजर, ये आपका इंस्टेंस क्रिएट हो गया। अब इस इंस्टेंस के थ्रू, क्लास के इंस्टेंस के थ्रू आप उसके कोई भी मेथड या प्रॉपर्टी गेट कर सकते हैं। तो मेथड और प्रॉपर्टी आप किस तरह कॉल करा सकते हैं इस इंस्टेंस के अगेंस्ट, इन इन दिस वे। सबसे पहले डॉलर साइन यूजर नेम, सॉरी डॉलर साइन यूजर, उसके बाद दिस हाइफन एंड ग्रेटर देन साइन, और उसके बाद उसके फंक्शन का नाम जो कि क्या है, लोड अंडरस्कोर इन्फो है, और उसमें एक पैरामीटर जो आ रहा है डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट यूजर नेम, यानी जो आपका गेट के मेथड का आपने यूजर नेम गेट करके इसमें फिल करा दिया। सो इट विल कॉल द यूजर क्लास मेथड लोड अंडरस्कोर इन्फॉर्मेशन। सेकेंड तरीके आपके क्या है कि आप उसमें डायरेक्ट वैल्यू भी पास करा सकते हैं एडम। दूसरा इंस्टेंस हमने क्रिएट किया वो डायरेक्टली आपका क्या वैल्यू पास करा रहा है लोड अंडरस्कोर इन्फॉर्मेशन में एडम। और तीसरा जो हमने क्रिएट किया है वो आपका डिफरेंट वेरिएबल नेम के साथ किया। ये थर्ड इंस्टेंस इसी क्लास का डॉलर साइन डेव इक्वल्स टू न्यू यूजर डॉलर साइन डेव लोड इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे आपने क्या लिखना है डेव, एडम की जगह डेव। तो इस क्लास के आपने कितने इंस्टेंस क्रिएट कर लिए हैं, तीन, 1, 2, 3 विद डिफरेंट नेम्स। सेकेंड, आप जो क्लासेस की प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम पहले भी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं आप वो डिफाइन कर सकते हैं। तो आप अपनी प्रॉपर्टीज जितनी भी आपने डिफाइन किया उनको डिक्लेरेशन के साथ ही इनिशियलाइज भी करा सकते हैं। ये आपकी जो प्रॉपर्टी है पब्लिक डॉलर साइन लास्ट अंडरस्कोर विजिटर, इसको आपने जैसे ही डिक्लेयर किया उसके साथ इसको इनिशियलाइज करा दिया, यानी इसको वैल्यू असाइन करा दिया। ठीक है, ये आपको पीएचपी ने एक फीचर दिया हुआ है कि आप जब डिक्लेयर कराते हैं अपनी प्रॉपर्टी को तो साथ ही उसे इनिशियलाइज भी करा सकते हैं। Although it's not best practice of coding, ये आपकी कोडिंग की बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आप इसका कर सकते हैं एनीवे। लेकिन इसके कुछ आपकी लिमिटेशंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिमिटेशन आपकी प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टी की क्या है कि उसके राइट हैंड साइड पे आपके क्या होना चाहिए, आपका कॉन्स्टेंट नेम हो सकता है या स्ट्रिंग हो सकती है या एरे आप कर सकते हो या फंक्शन कॉल करा सकते हो या कंकाटिनेशन कंकाट करा सकते हो दो स्ट्रिंग्स को। लेकिन जो उसके लेफ्ट साइड है उस पे आपका हमेशा क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी नेम होना चाहिए। सो अब फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप देखें यहाँ पे पब्लिक डॉट एंड लास्ट विजिटर, उसको अपने स्ट्रिंग असाइन की हुई है, स्ट्रिंग नेम असाइन किया हुआ है डॉन। द नेक्स्ट आप इनिशियलाइजेशन देखें तो पब्लिक डॉलर साइन लास्ट विजिटर में आपने एक न्यूमेरिक असाइन किया हुआ है, दैट इज 9। तो ये भी आपकी ये आपकी पीएचपी में इट इज राइट वे टू डिक्लेयर अ प्रॉपर्टी एंड इनिशियलाइज इट। और उसके बाद आपने एरे असाइन करवाई हुई है डॉलर साइन लास्ट विजिटर को, और उसके बाद आपने क्या करवाया हुआ है, आपने एक फंक्शन कॉल करवाया हुआ है पिक अंडरस्कोर विजिटर का, दैट इज अ बैड प्रैक्टिस। ये आपकी क्या है, ये आपकी मैनेज्ड कोडिंग नहीं है, दिस इज अ बैड प्रैक्टिस ऑफ कोडिंग। कि आप करवा सकते हैं आप फंक्शन को कॉल, लेकिन ये आपकी सबसे बैड प्रैक्टिस है अकॉर्डिंग की, कि आप एक फंक्शन को कॉल करा रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर इनिशियलाइज, एक फंक्शन कॉल करा के प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज कर रहे हैं। जो बेस्ट वे है आपकी कोडिंग का वो आपका ये है कि आप अपनी ये जितनी भी तमाम प्रॉपर्टीज हैं क्लास की उसको किसी कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कराएं या गेटर सेटर में इनिशियलाइज कराएं, डायरेक्टली आप इनिशियलाइज ना कराएं बिकॉज दे आर पब्लिक। सो उसके बाद ये कंकाटिनेशन दो स्ट्रिंग को करवाया हुआ है, दिस इज अ बैड प्रैक्टिस टू। ये आपकी कोडिंग की सबसे वर्स्ट प्रैक्टिस है कि आप अपनी प्रॉपर्टीज को जैसे ही डिक्लेयर कर रहे हैं आप उन्हें इनिशियलाइज भी साथ ही करा रहे हैं। प्रॉपर्टीज के साथ आप डिफरेंट असेस स्पेसिफायर या असेस कंट्रोल लगा सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेस स्पेसिफायर पढ़ चुके हैं, फॉर एग्जांपल पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। सो पब्लिक असेसिबल एनीवेयर, ये प्रॉपर्टी आपकी एनीवेयर इन एनी क्लास असेस हो सकती है। प्रोटेक्टेड के जितने भी आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं ये आपकी असेसिबल विद इन द क्लास एंड चाइल्ड क्लासेस,
कि आपकी उस क्लास में भी असेस होगी ये प्रॉपर्टी, और उस क्लास के बाहर जो चाइल्ड क्लासेस हैं उस क्लास की, उसमें भी ये प्रॉपर्टी एक्सेसिबल है। प्राइवेट असेसिबल ओनली विद इन दिस स्पेसिफिक क्लास, जिस जिन जिन प्रॉपर्टीज के साथ आप आपका असेस स्पेसिफाई प्राइवेट है, वो सिर्फ आपकी उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल है, आप उनको किसी दूसरी क्लास में मॉडिफाई नहीं कर सकते ना असेस कर सकते। कंस्ट्रक्टर्स इन पीएचपी, आपने कंस्ट्रक्टर किस तरह पीएचपी में डिक्लेयर करवाने हैं, ये आपके थोड़े से डिफरेंट है आपके बाकी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उनसे थोड़े से डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट। जो पहले आप कंस्ट्रक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिक्लेयर कराते हैं, वो आपके क्या होता था, वो क्लास का नेम होता था आपका सिंपली। लेकिन पीएचपी में आप कंस्ट्रक्टर इस तरह आप उसको डिफाइन करते हैं, सबसे पहले आपका फंक्शन का कीवर्ड, उसके बाद डबल अंडरस्कोर 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 दिस इज डबल अंडरस्कोर, और उसके बाद कंस्ट्रक्ट का कीवर्ड, और उसके बाद आपने पैरेंथेसिस में उनके पैरामीटर लिस्ट दे देनी है। अब एक कंस्ट्रक्टर का जीरो पैरामीटर भी हो सकता है और जीरो से ज्यादा भी पैरामीटर हो सकते हैं। तो इस कंस्ट्रक्टर के आपके दो पैरामीटर हैं, डॉलर साइन यूजर एंड पासवर्ड। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आप अपने पीएचपी में कंस्ट्रक्टर को इस तरह डिफाइन करा सकते हैं, और कोई वे नहीं है इसका, फंक्शन कीवर्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर देन कंस्ट्रक्ट कीवर्ड, और उसके बाद उसकी पैरामीटर की लिस्ट, और उसके अंदर ये आपकी क्या है, उसकी बॉडी है जिसके अंदर आपका कोड आएगा। सो यहाँ पे हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, डॉलर साइन यूजर इक्वल्स टू न्यू यूजर, और जिसमें दो वैल्यू पास करवाई हुई हैं जो कि आपके कंस्ट्रक्टर को कॉल कराएंगी। ठीक है, ये आपका इंस्टेंस क्या करेगा, ये आपके कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाएगा विद दीज वैल्यूज। कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आपने क्लास की कोई प्रॉपर्टीज असेस करानी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी साइज प्रॉपर्टी है क्लास के अंदर वो डिक्लेयर है, तो अगर आपने उसकी साइज की प्रॉपर्टी किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने कॉल करवानी है, तो आप किस तरह करा सकते हो, डॉलर साइन दिस, और उसके बाद आपने क्या लगाना है, एरो दिस हाइफन एंड ग्रेटर देन साइन, और उसके बाद साइज। अब यहाँ पे आपने डॉलर साइन नहीं लिखना, दिस इज रॉन्ग, ये आपका ये वाला सेंटेक्स है, दिस इज रॉन्ग। डॉलर साइन साइज वो किसी और चीज़ को कॉल करवा देगा, वो आपकी क्लास की प्रॉपर्टी को कॉल नहीं कराएगा। राइट वे क्या है, प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्टर के अंदर आपका कॉल कराने का, ये वाला डॉलर साइन दिस और डॉलर साइन के बगैर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल छोटी सी दे देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास है रिक्टेंगल, ठीक है, सो दिस इज योर क्लास, उसके अंदर आपकी क्या है प्रॉपर्टी, पब्लिक साइज क्रिएट की हुई है आपने, डॉलर साइन साइज, नो सॉरी दिस इज साइज, देन आपने उसका कंस्ट्रक्टर बनाना है फंक्शन, इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इसकी राइटिंग बड़ी कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाना है तो कंस्ट्रक्टर आपका किस तरह होता है, फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट एंड फॉर एग्जांपल यहाँ इसका एक पैरामीटर डॉलर साइन साइज एंड देन इसकी ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जब आपने इसको प्रॉपर्टी को एसेस करवाना है, तो वो किस तरह कराना है, दिस डॉलर साइन दिस एंड देन साइज। अब इसके साथ क्या होगा, डॉलर साइन नहीं आएगा, अब इसके साथ डॉलर साइन आपका बिल्कुल साइन नहीं आएगा। ये क्या करेगी, अगर जो दिस दिस क्या होता है आपका, वो स्कोप डिफाइन करता है। सो दिस यानी ये क्लास की प्रॉपर्टी है, यानी ये वाली प्रॉपर्टी है, आप इसको कॉल करा रहे हो, और इक्वल्स टू के बाद आपने ये वाली पैरामीटर लिखना है डॉलर साइन साइज के साथ।
सो दीज टू आर टोटली डिफरेंट. ये आपका क्या डॉलर साइन साइज ये आपका पैरामीटर है, और डॉलर साइन दिस के साथ आपने क्या कॉल कराई हुई है इसकी क्लास की प्रॉपर्टी. सो दिस आपका क्या होता है, स्कोप होता है, स्कोप ऑफ करंट क्लास. ठीक है, अब यहाँ पे आपने इस तरह नहीं लिखना, दिस इज रॉन्ग. ये वाला आपका सेंटेक्स क्या है, रॉन्ग है, और ये वाला सेंटेक्स आपका क्या है, राइट है. ये आपका पॉइंट करता है टू प्रॉपर्टी ऑफ दैट क्लास. इस साइड में आपका डिस्ट्रक्टर किस तरह डिफाइन होता है पीएचपी में क्लास का, वो आपका बताया गया है. तो डिस्ट्रक्टर एग्जैक्टली लाइक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं आप. पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लास क्रिएट करनी है. क्लास आपकी यहाँ पे है कार, और उसके अंदर आपने एक फंक्शन फंक्शन का कीवर्ड लिखना है, उसके बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट. ये आपका बेसिकली पीएचपी का डिस्ट्रक्टर है. और ये कब कॉल होगा, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट क्लास का डिस्ट्रॉय होगा तो ऑटोमेटिकली ये डिस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे आपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एक छोटी सी एग्जाम्पल है यहाँ पे कि कार का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, डॉलर साइन कार इक्वल्स टू न्यू कार, और उसके बाद जैसे आप अनसेट करोगे कार के ऑब्जेक्ट को, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा. ठीक है, अनसेट के बाद आपका क्या होता है, आपका उस ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, और वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. स्टैटिक मेथड्स आप पीएचपी में अगर आपने फंक्शन बनाने हैं स्टैटिक मेथड, तो आपने विद अ स्टैटिक कीवर्ड उसको विद अ स्टैटिक कीवर्ड आपने उसे डिक्लेयर करना है. तो सबसे पहले आपका पब्लिक का कीवर्ड है स्पेसिफायर, और देन स्टैटिक कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन, और उसके बाद फंक्शन का नेम C2F, और एक पैरामीटर डॉलर साइन डिग्री. अब इस स्टैटिक फंक्शन को आपने मेथड को कॉल किस तरह करना है, वो आपना आपका पीएचपी में इस तरह कॉल होता है. सबसे पहले क्लास का नेम आपका क्या, कन्वर्ट, और उसके बाद कॉलन, डबल कॉलन साइन एंड कॉलन साइन, और उसके बाद आपका फंक्शन का नेम दैट इज C2F, और उसके बाद ब्रैकेट्स में उसकी पैरामीटर्स इफ एनी. ठीक है, यानी स्टैटिक मेथड्स जितने भी आपके होते हैं वो आपके क्लास के नेम के साथ एक्सेसिबल होते हैं, उनके लिए आपको क्लास का इंस्टेंस क्रिएट नहीं करना पड़ता. ठीक है, स्टैटिक मेथड्स आर ऑलवेज कॉल्ड विद क्लास नेम. आप टोटली पीएचपी में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी डिफाइन कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम. सबसे पहले आप एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड, उसके बाद क्लास, और उसके बाद क्लास का नेम दैट इज डेटाबेस, और उसके अंदर इसके तीन मेथड क्रिएट किए हुए हैं. मेथड आपका फर्स्ट मेथड आपने किस तरह क्रिएट किया है, एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक, फंक्शन एंड कनेक्ट, इनकी बॉडी नहीं आपने डिफाइन की हुई क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है. सो कनेक्ट, क्यूरी और फेच के आपने तीन मेथड डिफाइन कर लिए हैं. दीज आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेटाबेस. एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को आप दूसरी क्लासेस के साथ किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं, आप एक्सटेंड का कीवर्ड यूज करते हैं. अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है किसी दूसरी क्लास के साथ अपने किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, तो यहाँ पे एक माई एसक्यूएल क्लास है, इसके साथ अपनी डेटाबेस की क्लास को, अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अपने इम्प्लीमेंट किया हुआ विद यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड. पहले एक्सटेंड का कीवर्ड लगाना है, उसके बाद क्लास का नेम लिख देना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नेम, और यहाँ पे आपने उसके मेथड को, जो डेटाबेस का डेटाबेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेथड था कनेक्ट, यहाँ पे आपने उसे कॉल करवाया हुआ है. ठीक है, अब इसके अपने दो आपकी प्रॉपर्टीज हैं MySQL क्लास की, प्रोटेक्टेड DBH एंड क्यूरी, और ये वाला कनेक्ट का मेथड है. ये आपका किसका, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का. इनहेरिटेंस जो आपकी पीएचपी में होती है वो आप किस तरह करते हो, यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड्स. जिस क्लास के साथ आपने इनहेरिट करना है आपने एक्सटेंड्स के बाद उस क्लास का नाम लिख देना है. ये आपकी छोटी सी एग्जांपल है जो आपकी इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करती है. सबसे पहले आपने क्लास बनाई है डीबी की, देन उसमें एक प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे डिफाइन किया है पब्लिक डॉलर साइन रिजल्ट,
और इसमें एक मेथड क्रिएट किया है या फंक्शन क्रिएट किया है, फंक्शन गेट रिजल्ट, और उसके अंदर आपने रिटर्न क्या कराया, डॉलर साइन दिस हाइफन रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट आपने क्या कराया, रिटर्न करा दिया। एंड देन उसका एक मेथड है क्यूरी का, फंक्शंस का, ठीक है, एक फंक्शन है क्यूरी का जो कि एक पैरामीटर ले रहा है डॉलर साइन एसक्यूएल। अब आपने डीबी क्लास को किसके साथ एक्सटेंड करवाया हुआ है, माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल के साथ आप उसे एक्सटेंड कराना चाह रहे हो। सो क्लास माई एसक्यूएल एक्सटेंड डीबी। अब एक्सटेंड करने से जितनी भी प्रॉपर्टी डीबी क्लास में होंगी वो माई एसक्यूएल क्लास में एक्सेसिबल हो जाएंगी, जितनी भी पब्लिक होंगी, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड दोनों आपकी इसमें एक्सेसिबल हो जाएंगी माई एसक्यूएल क्लास में। सो फंक्शन क्यूरी डॉलर साइन एसक्यूएल, आप ये वाला मेथड आपका किस क्लास का है, आपकी इनहेड आपकी पेरेंट क्लास का। सो दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। नेक्स्ट मैं आपको इसका क्लासेस का एक छोटा सा डेमो रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड करूँगी।